23 के रिजल्ट जैसा साथी ने कहा, मेरा मानना यह है कि इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जिसको हम समझने में भी अगले 5 साल शायद लगा कि हमारे देश के साथ अब क्या हो गया है और इसके जो परिणाम आएंगे वो किस किस तरफ हमको ले जाएंगे। ऐसे मौके के ऊपर किसी भी और चीज के बारे में बात करना जरा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ और अगर कर रहे हैं तो चोरी कर रहे हैं, वक्त की बर्बादी कर रहे हैं। पर बहरहाल बहुत सारे सवाल उठाए गए और मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछते हैं लोग कि ऐसी गोष्ठियों से क्या हासिल हुआ। हम लोगों के बहुत सारे मूवमेंट्स खड़े किए हमने छोटे छोटे, और अभी भी कोनों में खदरों में हम उसके कहीं बैठ के 4 लोग 5 लोग और वही चेहरे बार 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 वही बातें बार 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 करते रहे, तो इससे हमें क्या, इसके करने से क्या। दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो 1947 में मानक था सिर्फ हिंदुस्तान, क्योंकि हम मानवता में 7 में से 1 है। यहां पर मानवता ने एक बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट शुरू किया और इस एक्सपेरिमेंट को हमने डेमोक्रेसी का नाम दिया। कोई वजह नहीं थी कि हिंदुस्तान जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता। किसी मोहम्मद साहब ने, किसी कृष्ण जी ने, किसी अवतार ने हमसे आके ये नहीं कहा था कि ये लो आज से तुम सब डेमोक्रेसी बन जाओ और अगले 70 साल तक ये डेमोक्रेसी अद्भुत बात, ये ऑलमोस्ट मैजिकल है जब लोग पीछे मुड़ के देखेंगे कि 70 साल तक ये डेमोक्रेसी एवरेशंस के साथ बीच बीच में चलती रही और कामयाब रही। ये बहुत खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है पूरी मानवता का जो यहां हो रहा, और ये एक्सपेरिमेंट इन गोष्ठियों के ना होने पर कामयाब नहीं होता। मेरा पूरा यकीन है कि हमारे जैसे लोग लगातार 70 साल तक इस डेमोक्रेसी के पहलेदार, क्योंकि अगर आप चारों तरफ नजर डाल के देखिए तो इस पूरी मानवता के समंदर में हमारे चारों तरफ कहीं भी स्टेबल डेमोक्रेसी हमें नहीं दिखाई देती। अकेली वजह अगर कोई यहां स्टेबल डेमोक्रेसी इतने दिन तक काम करने की थी और अगर आगे भी हो तो यही छोटे छोटे चिराग हैं जिन्होंने इस रोशनी को बरकरार रखा। इसलिए मैं समझता हूं इस बात पर फिर शायद आखिर में आऊंगा लौट करके कि इसकी क्या और महत्व है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज की गोष्ठी या अगर आप कल कुछ करेंगे, चाहे इससे भी कम लोग मौजूद, तो बहुत बड़ा हॉल है भरा हुआ है, हो सकता है कि डर का वो माहौल कल कि यहां और कम लोग, और हो सकता है कि कल जैसे गुजरात में अब होने लगा है कि आपको ऐसी गोष्ठी करने के लिए जगह नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में जाने को मिला था इलेक्शन से के दौरान ही, वहां पर जो गोष्ठी की जा रही थी उसको शाम को 3 बजे शुरू होना था। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को टेलीफोन आता है कि आप कैंसिल कर दीजिए प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास और कोई काम नहीं बचा है, वो एक
गुजरात के अंदर उसमें भी एक छोटी सी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर को टेलीफोन करके कहने के बाद कर दीजिए, वाइस चांसलर ने नहीं होने दिया, वो अलग बात। तो हमारे यहाँ हमेशा शायद आखिरी आदमी क्लासरूम में जो होगा वो ज़रूर पीछे हाथ उठा देगा और सवाल उठाएगा, और यही वजह है कि आज तक की डेमोक्रेसी चलती है। दोस्तों, आज के टॉपिक के ऊपर जाने में सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये कई बार मैं अलग अलग मंचों पर कह चुका हूँ, और ये समझना ज़रूरी है कि अभी जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया उसमें मुझे ऐसा लगता है, हमेशा जब भी दिया जाता है, कि ये मेरी ऑबिचुअरी जैसे पढ़ी जा रही है, मरने के बाद शायद लोग ऐसे याद करेंगे, पर अगर आप याद करें तो उसमें दो तीन बातें बताई गई। एक बात ये बताई गई कि मेरा नाम गौहर रज़ा है, जिससे फौरन ही आपको एक और बात पता लग गई। दूसरी बात ये बताई गई कि मैं साइंटिस्ट हूँ। तीसरी बात ये बताई गई कि मैं फिल्म मेकर हूँ। चौथी बात ये बताई गई कि मैं पोएट हूँ। हम अपने इंट्रोडक्शन को इतनी बार जिंदगी में दोहरा लेते हैं कि उसके बारे में ठीक से सोचते हैं। पर एक बात बहुत क्लियर थी कि मैं, आप, हमने से हर एक से ज्यादा आइडेंटिटीज के साथ जीते हैं समाज में। तो मेरी आइडेंटिटी एक साइंटिस्ट की है, एक फिल्म मेकर की है, एक पोएट की है, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने साथ और आप एक टोकरी लेकर के साथ चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज जिंदगी में हमें दी हैं, समाज में हमें दी हैं, और उनमें से कुछ आइडेंटिटीज निकाल करके हम दूसरों को दिखाते हैं। यहां पर यह नहीं बताया गया कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तानी सिटीजन हूं। शायद हिंदुस्तान से बाहर अगर बात हो रही होती तो बताया जाता कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं। यहां भी यह नहीं बताया गया कि मैं किसका बेटा हूं, किसका पति हूं, किसका बाप हूं, वो भी मेरी आइडेंटिटी यहां नहीं बताया। और उसकी वजह ये कि आपको इंप्रेस करना था कि जो आदमी यहां खड़े होने जा रहा है, ये मत समझिए कि वो कोई ऑर्डिनरी आदमी है, वो आपका वक्त खराब नहीं करेगा। आपने यहां आके बहुत अच्छा किया। अब ये अलग बात है कि मैं क्या करूं, आपका वक्त खराब करूं या आपका वक्त सार्थक करूं। जिसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हर आइडेंटिटी का एक मकसद होता है, बिना मकसद आइडेंटिटी नहीं हो सकती। यहां पर वही आइडेंटिटीज निकाल के आपके सामने रखी गई जिन आइडेंटिटीज का मकसद यहां पूरा हो। अगर मैं अपने बेटे बेटा के रिश्ते की बात करने गया होता तो बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिटीज निकाली जाती। वहां पर शायद पोएट की आइडेंटिटी काम नहीं करती। इसमें एक बात और भी समझ लेती है, मैं थोड़ा सा वक्त ज्यादा आइडेंटिटी पे इसलिए ले रहा हूं कि हम बहुत नॉन सीरियसली लेते हैं अपनी आइडेंटिटी। अगर यहां पर सबका नाम गौहर रज़ा होता तो मेरी ये आइडेंटिटी खत्म, क्योंकि यहां सारे हिंदुस्तानी थे, सारे भारतीय थे, इस वजह से ये बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी। अगर यहां मेजॉरिटी ऐसी होती कि भारतीय ना हो तो फिर शायद उस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती। यानी अगर सबका नाम गौहर रज़ा हो तो मेरी गौहर रज़ा होने की आइडेंटिटी फिदर अवे हो जाएगी, खत्म। जिसका एक और मतलब कि जब तक दी अदर नहीं,
जब तक दूसरा नहीं है तब तक मेरा सेल्फ भी नहीं। मेरी इस आइडेंटिटी के होने के लिए द अदर इज एज इंपॉर्टेंट एज सेल्फ इज। तीसरी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं आइडेंटिटी को लेकर के कि हमें नॉर्मली आइडेंटिटीज जो है वो तीन तरह की तीन सोर्सेस से मिलती हैं। एक सोर्स है नेचर जो मुझे शक्ल देता है, कद देता है, बाल देता है या गंजा कर देता है जैसा मेरे साथ कर दिया। आंखें पूरी हैं, नीली हैं, अंधा भी हो सकता हूं, वो भी एक आइडेंटिटी होती है। और हमारे यहां तो नेचर की ऐसी दी हुई आइडेंटिटीज पे हमारा समाज बहुत असभ्य हो जाता है, क्योंकि आम बात है किसी को लूला कहना, किसी को लंगड़ा कहना, किसी को अंधा कहकर पटकना। और हमारे यहाँ कम से कम यूपी में तो एक और भी बहुत खतरनाक है, बहुत असभ्य शब्द है ऐबी होना, यानी कुछ कमी है उस ऐबी। ये आइडेंटिटीज हमको नेचर है और इनको बदलना बहुत मुश्किल है। मैं जब वर्कशॉप में बातचीत करता हूं तो हमेशा एक ही एग्जांपल आती है कि किसी ने अपनी खाल का रंग बदला। अमेरिकन कोई सिंगर था, आपके दिमाग में भी उसी का ही नाम आया, पर दूसरा आप ढूंढ नहीं पाए। माइकल जैक्सन के अलावा कोई और नहीं ढूंढ पाएंगे जिसने अपनी काले होने की आइडेंटिटी को बदला। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है नेचुरल नेचर की दी हुई आइडेंटिटीज को बदलना। उसके बाद आइडेंटिटीज होती हैं जो समाज हमें देता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि वो हमारे माँ बाप की पेरेंट्स की दी हुई आइडेंटिटी। अगर मैं आप में से किसी को खड़ा करके यहाँ पूछूं कि आपका नाम क्या है और उसमें कोई बताए नाम अपना, अरविंद कुमार शर्मा, तो दूसरा सवाल पूछने पर कि ये नाम आपका किसने रखा, तो वो यही कहेगा मेरे माँ बाप ने रखा, मेरे दादा दादी ने रखा, मेरे नाना नानी ने रखा, किसी ने रखा। तो अगर उससे ये सवाल पूछा जाए कि तुम शर्मा हो तो शर्मा तुम्हारा कास्ट नेम है या तुम्हारा नाम, तो जवाब होगा कि शर्मा कास्ट नेम। तो तुम्हारी कास्ट जो है वो कितनी पुरानी होगी, तो उसके जवाब आएंगे 400 साल पुरानी हो सकती है, 500 साल, 1000 साल, 5000 साल, इस तरह के जवाब आएंगे। जिसका एक मतलब ये भी हो गया कि 500 साल पहले या 1000 साल पहले ये फैसला ले लिया गया था कि जब 1000 साल बाद इस फैमिली के अंदर एक बच्चा पैदा होगा तो उसके नाम में शर्मा लिखा। तो दादा दादी ने, नाना नानी ने नाम भी रखा है, समाज ने 400-500 साल और 1000 साल पहले ये फैसला ले लिया था कि आपके नाम में शर्मा लगा हुआ, गुप्ता लगा हुआ, सिंह लगा हुआ वगैरह। लेकिन क्या उस लड़के का नाम जिसके नाम के आगे शर्मा लगा है गौहर रजा हो सकता था? नहीं। जिसका मतलब यह है कि समाज एक थाल आपको दे रहा है कि जब कोई बच्चा पैदा होगा तो उस थाल में से ही चुन सकते हैं और उसमें भी कुछ नाम का हिस्सा फिक्स्ड हिस्सा है जो समाज ने तय कर दिया। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ आपको ले जाना चाह रहा था। जब हम बात करते हैं सेक्युलर आइडेंटिटीज की तो अक्सर ये वो आइडेंटिटीज होती हैं जो हम खुद को दे रहे होते हैं। समाज ने और फैमिली ने हमें हिंदू होने की, मुसलमान होने की, सिख होने की, ईसाई होने की आइडेंटिटी पैदा होते ही दे दी है। हमारे नाम की आइडेंटिटी तक समाज ने हमको दे दी।
और ये आइडेंटिटी भी मुश्किल होती हैं चेंज करना, पर इनको बदला जा सकता है। उतनी मुश्किल नहीं होती है जितनी मुश्किल नेचर की दी हुई आइडेंटिटीज होती। पर जो आइडेंटिटीज हम अपने को देते हैं, जिसमें स्टूडेंट हो सकता है, जिसमें टीचर हो सकता है, जिसके अंदर मैनेजर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ये आइडेंटिटीज हम अपने आप को खुद देते हैं एट्रीब्यूट्स की वजह से। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे अंदर, वो हम एक्वायर करते हैं, लेकिन इनको बहुत तेजी से बदला जा सकता है। मैं प्रैक्टिस करना छोड़ दूं, डॉक्टर होने की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मैं साइंटिस्ट से कोई कंपनी ज्वाइन कर लूँ तो मैनेजर हो जाऊँगा वगैरह, ये आसानी से बदले जा सकते। तो एक बात तो ये है कि आइडेंटिटी हमारी जब भी इस्तेमाल की जाती है वो किसी मकसद से की जाती है। आइडेंटिटी पर आखिरी बात मकसद को लेकर के, कि कुछ आइडेंटिटीज हमारी ऐसी हैं जो इकट्ठा करने के लिए अपने को लेंड करती है, दे लेंड देमसेल्व्स टू बी इंक्लूसिव। जैसे महिला एकता जिंदाबाद आपने नारा सुना होगा, पुरुष एकता जिंदाबाद नारा नहीं सुना। मजदूर एकता नारा सुना होगा आपने, दुनिया के मजदूरों एक हो, लेकिन दुनिया के पूंजीपतियों एक हो, ये नारा बनता ही नहीं। That identity doesn't lend itself to be inclusive, to be used for a movement where people can gather together and protest against something. तो कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनमें लोगों को एक खास मकसद से इकट्ठा किया जाता है, और कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कंप्लीटली सेक्युलर हो सकती हैं, जो प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। पर हमेशा जब किसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके दो ही मकसद हो सकते हैं। एक सोशल गैदरिंग का मकसद हो सकता है, सोशल रिलेशनशिप को सीमेंट करने का मकसद हो सकता है, और दूसरा पॉलिटिकल मकसद हो सकता है। जब हम कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक को, तो हम पॉलिटिकल नारा देते हैं। जब हम कहते हैं सिखों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, तो यहां ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होती है। मैं जब आपको बताता हूं कि चलिए नमाज पढ़ने चलिए, आप भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, चलिए गुरुद्वारा चलिए आप भी सिख मैं भी सिख, मंदिर हो के आते हैं, यहां हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं आपस में बेस्ड ऑन एन आइडेंटिटी। पर जब हम नारा दे रहे इकट्ठे हो जाओ तो किसी मकसद के लिए होंगे, वो हमेशा पॉलिटिकल होगा, वो सोशल नहीं हो सकता। तो अगर हम अब वापस लौटे टॉपिक के ऊपर, तो हमारे पास अभी दोस्त ने कहा था कि हिस्ट्री में जाना जरूरी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं, उसके बावजूद हिस्ट्री में जाना ही पड़ता है ऐसी चीजों से जूझने के लिए। हमारे पास फासीवाद फैशिज्म को लेकर के 1930 के दशक के बाद से कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका हम समझने के लिए, खुद को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टेम्पलेट हम इटली से ले सकते हैं, मुसोलिनी से ले सकते हैं, हम हिटलर की जर्मनी से ले सकते हैं, जहां से फासीवाद की बुनियाद पड़ती है। फैसियो का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता था कुदाल की तरह की कोई चीज मारने के लिए, लकड़ी चीरने के लिए या अपनी रक्षा करने के लिए, हुआ करने के लिए, वहां से ये वर्ड मेसोलिनी लिया। लेकिन मेसोलिनी ने इसका इस्तेमाल किया नेशनलिज्म के और मिलिट्राइज करने के लिए पूरी सोसाइटी को। उसका ये कहना था कि सोसाइटी में जो भी इंडिविजुअल है, जो भी सिटीजन है, उसको मिलिट्री के लिए काम करना चाहिए। यानी अगर आप खाना पका रहे हैं
तो मिलिट्री के लिए किसी न किसी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, आप कपड़े सी रहे हैं तो भी मिलिट्री के लिए होना चाहिए, अगर मिलिट्री के लिए नहीं कर रहे हैं तो कहीं आप गड़बड़। नेशनलिज्म वॉज कंप्लीटली इक्वल टू मिलिट्रीज़। जब ये कॉन्सेप्ट्स जर्मनी में आते हैं तो बदल जाता है, और वो बहुत शातिर बदलाव है और जबरदस्त बदलाव है इस कॉन्सेप्ट। मिलिट्राइजेशन एक तरफ है, लेकिन हिटलर कहता है कि देयर इज एन इंटरनल एनिमी विच वी हैव टू फाइंड एंड देयर इज एन एक्सटर्नल एनिमी, दोनों एनिमीज बहुत जरूरी। पर ये याद रखिए कि फैशिज्म कहीं भी हो दुनिया में, चाहे वो बात के पीरियड में, लेकिन अमेरिका में हमको सर उठाता हुआ दिखाई दे, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फार ईस्ट में दिखाई दे, ये बात बहुत साफ दिखाई देती है कि वो हमेशा एक कमजोर एनिमी तलाश करता है। चाहे वो हिटलर की जर्मनी हो, वहां पर ज्यूस की तादाद 4% थी। इसकी क्यों जरूरत होती है? इसकी जरूरत इसलिए होती है कि शुरुआत के पीरियड में डेमोक्रेसी की कोख से निकलने वाला फैशिज्म हमेशा वीक होता है, वो डेमोक्रेसी की खाट पर ही पनपता है, फैशिज्म ऊपर से नहीं आता, फैशिज्म जनता के मूवमेंट की तरह से पनप के आ गया है। तो अगर वो ऐसा मजबूत एनिमी ढूंढे शुरू में जो उसको खुद कुचल दे, तो फिर फैशिज्म पनप नहीं सकता। इसलिए उसे एक माइनॉरिटी की जरूरत होती है अंदर, जो उससे कमजोर, लेकिन वो आए माइनॉरिटी ऐसी भी हो जिसे बहुत बड़ा करके बताया जा सके, बहुत बड़े एनिमी की तरह से पेश किया जा सके। क्योंकि अगर वो ऐसी माइनॉरिटी है, अपने यहां ले लेते हैं, बहुत कोशिश के बावजूद ये भोरास को एनिमी की तरह से पेश, मेन एनिमी की तरह से पेश नहीं किया जा सकता इस मुल्क में, वो इतने छोटे हैं कि उनको बड़ा करके दिखाया ही नहीं जा सकता। मैं जो बात आपसे के सामने रखना चाहता हूं वो ये है असल में कि फैशिज्म किसी भी शक्ल में आए उसका टारगेट मेजॉरिटी होती है, लेकिन वो माइनॉरिटी को दुश्मन बनाता है, और माइनॉरिटी इतनी कमजोर होनी चाहिए कि फैशिज्म को पनपने के लिए पूरी स्पेस मिल जाए। फैशिज्म को समझने के लिए एक बात और समझनी जरूरी है, हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं दुनिया भर में जिन्होंने फैशिज्म के ऊपर बहुत काम किया है, और मेरे ख्याल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी दुनिया में फिल्में इस इशू के ऊपर बनी हैं, जितने गाने लिखे गए हैं, जितनी कहानियां लिखी गई हैं, जितनी किताबें लिखी गई, जितनी कोई भी फील्ड देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा काम फैशिज्म के ऊपर हुआ है। इसमें हमें दो चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, एक तरफ बर्तोल्ड ब्रेख्ट जो जर्मन ज्यू पोएट एंड प्ले राइट था, और दूसरी तरफ आज के दौर में कई ऐसे लोग हैं जो फैशिज्म के ऊपर काम करते रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऑलमोस्ट चार्ली चैपलिन एक ऐसी शख्सियत दिखाई देता है जो प्रोफेटिक बातें जिसने इसके बारे में फैशिज्म के बारे में की। मैं ये समझता हूं कि फैशिज्म दो तरह से देखा जाना चाहिए, एक स्ट्रक्चर की तरह से जब वो किसी मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेता है पूरी तरह, और दूसरे सोच की तरह, थॉट आइडिया कॉन्शियसनेस। जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हमें
ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल के अंदर कभी ना कभी फैशिस्टिक टेंडेंसीज दिखाई देती है, और वो बहुत माइनर सी चीजों में दिखाई देती है। जैसे हम बड़े आराम से बैठ करके ये बात कह देते हैं अपने घरों में कि हिंदुस्तानी तो होते ही, तब कर डंडा चलाओ, डंडे के यार हैं, तब ठीक हो जाए। हम में से ज्यादातर के मुंह से ये बात कभी ना कभी निकली ही होगी जिंदगी में, और इस डंडे को जब हम सोच रहे होते हैं तो ये डंडा हमारे हाथ में होता है, ये डंडा कभी दूसरे के हाथ में नहीं होता कि वो हमारे ऊपर चला रहा हो। यानी अगर सिग्नल तोड़ा है तो हम तोड़ सकते हैं पर दूसरे को नहीं तोड़, दूसरा जब तोड़ेगा तभी हमें परेशान। सब करप्ट हैं, जब ये बात जबान से हम निकालते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अपने को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये फैशिस्टिक सोच के कुछ बेसिक चीज हैं जिसमें हमारी फैमिली बहुत रोल प्ले करती है। हमारी फैमिली के अंदर हम बच्चों को पूरी आजादी देता हूं मैं, लेकिन कास्ट के बाहर अगर शादी की तो गोली मार दूंगा। तो वही एक आम आदमी, आम सिटीजन एक वक्त में हाईली डेमोक्रेटिक है और दूसरी कंडीशंस में हाईली फैशिस्टिक। बेटे को इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं लेगा तो मैं फीस भी नहीं दूंगा, तुझे करना पड़ेगी, तुझे डॉक्टरी करनी पड़ेगी, जो भी कर। तो ये सोच हर डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, उसकी कोख में हमेशा पनप रही होती है। और इस बात को मैं कुछ नए तरीके से नहीं कह रहा हूं और नई बात नहीं कह रहा हूं, बहुत समाना पहले जब डेमोक्रेसी का डिस्कशन ग्रीस में चल रहा था तो उसमें एक फिलोसोफर ने एग्जैक्टली यही बात इसी तरह से कही थी कि डेमोक्रेसी अपनी कोख में ही अपनी मौत के सामान लिए हुए, और क्योंकि वो मौका देती है डेमोगॉग्स को पनपने का और अपने सिटीजन्स राइट को एक्सरसाइज करने का, इसलिए वो डेमोगॉग पूरी तरह से डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके दे ट्रैम्पल अपॉन डेमोक्रेसी एंड फिनिश। ये प्रोसेस आज हमें हिंदुस्तान में होता हुआ दिखाई दे। जब हम जर्मनी के फैशिज्म को देखें और खास तौर से अगर जैसन की नई दो तीन किताबें आई हैं और अगर आप गूगल करेंगे तो फीचर्स ऑफ फैशिज्म, तो विकिपीडिया पर जैसन की एक आर्टिकल के बाद 14 पॉइंट्स हैं जो एज फीचर्स हमें दिखाई देते हैं फैशिज्म के। इट्स अ वेरी गुड वर्क, वेरी मेटिकुलस वर्क दैट ही हैज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उनमें से कुछ फीचर्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। फैशिज्म आपको एक खूबसूरत पास्ट में ले जाता है। ये खूबसूरत सैनिटाइज्ड और सारी परेशानियों से दूर, जिसमें कहीं कुछ भी परेशानी नहीं थी, एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करता है, एक ऐसी पॉपुलर हिस्ट्री क्रिएट करता है। अब अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में खास तौर से ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करने की तरफ हिंदुस्तान में
वो बहुत तेजी से धकेला। वैदिक पीरियड, और वो वैदिक पीरियड जिसमें हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी, जिससे शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ने, फिर उसके बाद करण स्टेम सेल हो गया, सीका टेस्टिंग बेबी हो गई, हमारे यहाँ संजय थे तो वो टेलीविजन देखते थे, इंटरनेट था तो सैटेलाइट था तो रॉकेट्स थे तो मिसाइल्स थे तो एटम बम भी था। और वहां पर सब कुछ हरा भरा खूबसूरत था, हमारा समाज बेहतरीन समाज था दुनिया का, वसुधैव कुटुंबकम। और फिर बाहर से लोग आए और उन्होंने हमारी औरतों को घूंघट पहना दिया, हमें उन्होंने बांट दिया दांतों में, पता नहीं हम केक थे और वो चाकू लेके आए थे। तो यहां से हमने द अदर क्रिएट करना शुरू कर, इसी हिस्ट्री, असल मकसद हिस्ट्री नहीं, असल मकसद द अदर क्रिएट करना, सेल्फ बनाने के, क्योंकि हमारे पास नेचर का दिया हुआ सेल्फ नहीं था, ये कंस्ट्रक्ट करना। तो अगर नेचर का दिया हुआ नहीं था तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने अब से 100 साल पहले क्या शुरुआत की कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें अंग्रेज बाहर, 1857 और उसके बाद का पीरियड, मैं उस पीरियड में डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बाद का पीरियड ये ख्वाब कि एक ऐसा देश होगा जहां अंग्रेज नहीं हो, तब फिर क्या होगा, ये सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट था। तो एक तरफ मेजर थॉट था कि हम 1500 साल से गुलाम रहे हैं, 200 साल नहीं 1500 साल, और 1500 साल की गुलामी के बाद जब अंग्रेज जाएंगे तो इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। दूसरी तरफ हमने 1500 साल इस पर राज किया है इस देश के ऊपर, जब अंग्रेज जाएंगे तो उन्होंने हमसे राज छीना था, हमें वापस करके जाएंगे। और तीसरी तरफ एक और सोच थी जो हमको कह रही थी कि बाहर से बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो नारा जो पूरी दुनिया में फैलता है, सबको शिक्षा सबको काम पहली बार दुनिया देख रही है, सबके सर के ऊपर छत, एक ऐसी स्टेट जो वेलफेयर स्टेट होगी और वो सबका ख्याल रखेगी, सबको बराबरी देगी। तीन अलग अलग आइडेंटिटीज बनाने की इस देश में कोशिश, इस पॉलिटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए तीन स्ट्रैंड्स को पॉलिटिक्स के तीन तरह की आइडेंटिटीज कंस्ट्रक्ट करना जरूरी। एक आइडेंटिटी जो कंस्ट्रक्ट हुई वो अभी मैंने 5 साल बताए कि उसमें क्या हुआ, लेकिन उसकी जड़ें 1925 में, अगर 1949 में लिखी हुई आप गोलवाल की किताब वी और अवर नेशन ऑफ डिफाइंड, जिसको आजकल थोड़ा डिसोन कर दिया है आरएसएस ने, पर वो गूगल पावर और उनकी याद
यादाश्त बहुत जबरदस्त है, उसमें एक बार पढ़ जाए तो फिर वो भूलते नहीं है, तो आप वहां जाकर के ये किताब देख सकते। ये किताब कह रही है कि हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के बाद तीन एनिमीज बचे, एक मुसलमान पहले एनिमी, दूसरे एनिमी क्रिश्चियंस और तीसरे एनिमी कम्युनिस्ट। और माइनॉरिटीज के बारे में वो ये कह रहे हैं, एक जगह पहली जगह वो थोड़ी ज्यादा आइडियोलॉजिकल बात करते हैं, दैट जर्मनी हैज शॉक्ड द वर्ल्ड बाय पर्जिंग ज्यूज, इट हैज शोन हाउ वेल नाई इट इज इम्पॉसिबल टू एसिमिलेट रेसेस वेयर द डिफरेंसेस गो टू द रूट्स, अ गुड लेसन फॉर अस टू लर्न एंड प्रॉफिट बाय। ये शुरुआत के पेज। आगे चलते हुए वो ये कहते हैं कि अगर माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान में रहना है फोर्सफुल लैंग्वेज इस्तेमाल, दो जगह, अगर माइनॉरिटीज को रहना है इस देश के अंदर तो उन्हें सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रहना होगा, उन्हें कोई हक मांगने का हक नहीं होगा, अपीजमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाय द वे, अपीजमेंट का जो वर्ड हम पिछले 25-30 सालों से ज्यादा सुन रहे हैं, वो वर्ड असल में फैशिस्ट ओरिजिनल नहीं होते, बहुत क्रिएटिव भी होती है, वो भी हिटलर से लिया हुआ है, अच्छे दिन आएंगे भी हिटलर से लिया हुआ है, कोई नारा इस बीच का सुन लीजिए, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये भी वहीं से लिया हुआ है, ये भी क्रिश्चियंस के बारे में, गंदे रहते हैं गलीज होते हैं, ये भी वहीं से लिया है, कुछ भी ओरिजिनल है, बस तब वो हिटलर ने जूस के लिए किया था, इन्होंने मुसलमानों के लिए किया था, इतनी ओरिजिनैलिटी है, इससे आगे नहीं बढ़ी ओरिजिनैलिटी। पर दूसरी तरफ हमने देखा कि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म हिंदू फंडामेंटलिज्म जब आपस में टकरा रहे थे तो एक दूसरे को उन्होंने मदद की है पूरी तरह से इस देश को तोड़ने, इसीलिए आपको बीच बीच में कोई अडवाणी उठता हुआ दिखाई दे जाएगा कि हाँ चीना बहुत अच्छे आते, मालूम कि वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पनप नहीं सकते, तो जिन्ना ने जो क्राइम्स किए हैं वही क्राइम्स हिंदू महासभा और आरएसएस ने इसमें दोनों भागीदार हैं, तब से जब से असेंबली में दोनों ने साथ मिलकर एक्शन लड़ा था आजादी से पहले, और वो चीज हमें कश्मीर के अंदर दिखाई देती है आज के दौर में, कि जैसे ही गद्दी पर बैठे कन्हैया को टेररिज्म बता रहे थे, टेररिस्ट बता रहे थे, पर जो कश्मीर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी उसके साथ उन्होंने फौरन सरकार बनाई। पर एक मिस्टिक पास बहुत जरूरी है, एक एंटी इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस समाज में पैदा करना जरूरी है, ये भी आपको 5 साल में दिखाई दे गया होगा। सबसे पहला रेजिग्नेशन जो आया था वो हमारे देश में फॉरेन सेक्रेटरी का आया था, अगर आपको याद है, महीने भर के अंदर फॉरेन सेक्रेटरी ने हमारे देश के जो आईएएस ऑफिसर्स होते थे हाईएस्ट लेवल के ऊपर उन्होंने, और उसके बाद एक के बाद एक जो इंटेलेक्चुअल इन्होंने खुद भी रखा उसको भी छोड़ने पर मजबूर हो गए। देश के अंदर फिल्म मेकर्स के ऊपर, पोइट्स के ऊपर, राइटर्स के ऊपर, इन सब के ऊपर लगातार अटैक आता रहा है, ये हम देखते रहे। एक अनरियल कंडीशन पैदा करना, एक और फीचर, पास्ट की बेसिस के ऊपर आपको जो प्रेजेंट है उसको अनरियल बना देना। देश के अंदर भुखमरी है, भयंकर रूप से
कीमतें बढ़ रही हैं, पर जो रियलिटी है सारी उसको अनरियल बना करके पेश कर। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, पर वहां से उठा करके ले जाना हिंदू मुस्लिम मसले के ऊपर, जो रियल नहीं है वहां पर प्लेस करना, पिच करना, और जो रियलिटी है उसको भुला देने की कोशिश। और आखिरी चीज जो मैं ले रहा हूं फीचर्स में से, वो है सेक्सुअलिटी, औरतों के हक के ऊपर अटैक, उसके बिना फैशिज्म बनता है। क्योंकि फैशिज्म एक तरफ तो जो पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम है उसको नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट करने की कोशिश, यानी जो फैशिस्ट है लीडर है वो पूरे नेशन के लिए बाप की तरह से, वो बहुत मेहनत करता है सबके लिए, 14 घंटे 2 घंटे सोते हैं 5 घंटे बड़ी रैलीज करते हैं, 5-5 रैलीज दिन में, आम काट के खाते हैं, ये जो उसके ट्राइंग टू क्रिएट एन इमेज ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू यू बट ही इज लाइक द हस्बैंड एंड द फैमिली एंड देयरफॉर एन अटैक ऑन विमेन्स राइट्स इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड वी नो कि इन्होंने आते ही विमेन्स राइट्स के ऊपर किस तरह से अटैक किया, वन ऑफ देम वर रेप की लॉस को बदल दिया, जो बेहद स्ट्रगल के बाद औरतों ने हमारे मुल्क में जीते। अब आते हैं कि माइनॉरिटीज के साथ क्या होगा। फैशिज्म के लिए बहुत जरूरी हो गया लर्न करना आफ्टर डिफीट ऑफ हिटलर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फैशिज्म ने भी बहुत कुछ सीखा और इसलिए अपने रूप को बदलना भी बहुत जरूरी था। शुरुआत के पीरियड में फैशिज्म चर्च उसके साथ था, अगर आपको हिस्ट्री का अंदाजा, मुझे बता दीजिएगा, ये इतना दिल के करीब है कि मैं उनको बोलता रह सकता हूँ, जब बोर हो जाए। फैशिज्म का शुरुआत का पीरियड मैंने जैसे कहा कि मिलिट्रीज्म के साथ था, सेना में मिस, उसके बाद का पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट रेसिज्म और कम्युनलिज्म दोनों मौजूद, कम्युनलिज्म एज वी डिफाइन कम्युनलिज्म इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉट एज व्हाट द यूरोपियंस डिफाइन इट एज। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के साथ बहुत जल्दी उन्हें जरूरत पड़ गई वहां पर चर्च पर भी अटैक करने की, और चर्च ने रियलाइज किया कि ये हमारे ऊपर भी अटैक होने जा रहा है, तो फिर वो टोटली कन्वर्ट कर दिया गया इनटू रेसिज्म। हालांकि ज्यूज जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट था, पर कभी भी उसको रेफर नहीं किया गया एज रिलीजियस सेक्ट, वहां पर हमेशा एज रेसिस्ट किया गया बिकॉज हिटलर अपने को एरियन कहता था और वो डिफाइन करता था एरियंस को, रोज गुहर लॉन व्हाइट स्किन प्योर ब्लड एंड ब्लू आइड, ये एट्रीब्यूट्स थे उनके रेस के जिसे दुनिया में सभ्य राज करने के लिए बनाया। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको बाद के पीरियड में दिखाई देती है कि ज्यादातर जगह के ऊपर रेसिज्म इतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना इस्तेमाल रिलीजन को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम पाकिस्तान में कॉन्शियसनेस को देखें, जिसको हम फैशिस्ट कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, हमको ये दिखाई देता है कि शुरुआत के पीरियड में पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन ही अगेंस्ट
हिंदूज होता है और उनकी डेफिनेशन और सावरकर की डेफिनेशन में हिंदूज की कोई फर्क नहीं। सावरकर इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव दिस डेफिनेशन दैट जिनकी पूज्य भूमि और जन्म भूमि दोनों यहाँ है वो हिंदू हैं सारे के सारे। इसका मतलब ये हुआ कि सिख जैन और बाकी जो सिख यहाँ हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं और जो नहीं है जिनकी पूज्य भूमि भारतीय हैं इन्वेडर्स हैं सारे के सारे। यही जिना साहब ने डेफिनेशन ले ली। तो हिंदू में सिखों के ऊपर जो जुल्म होना था वो मालूम है पाकिस्तान में हुआ, जो हिंदू के ऊपर होना था वो हुआ, पर बहुत जल्दी ये मालूम हो गया कि ये काफी नहीं है, ये तो बहुत छोटे हैं, बचे ही नहीं है। अब क्या करें? अब किस बेसिस के ऊपर फैशिस्ट कॉन्शियसनेस को आप फ्यूल कर सकते हैं? तो फिर उन्होंने कहा कादियानी, कादियानियों को मानना शुरू किया उन्होंने, तो पहले उससे पता ही नहीं था लोगों के कि मुसलमानों में कुछ कादियानी भी होते हैं, वहीं से पता लगना शुरू हुआ कि कुछ अलग सेक्ट है। और जिस तरह से जर्मनी में आइंस्टाइन जैसे लोगों को दरबदर किया गया था, उन्होंने भी अपने आगे फिजिसिस्ट को डिसोन कर दिया, पर उनसे भी काम नहीं चला। तो फिर शियास इंक्लूड हो गए दुश्मनों में, उनसे भी काम नहीं चला। तो फिर महाजिर सारे के सारे हो गए जो यहां से माइग्रेट करके गए थे उधर, उनसे भी काम नहीं चला। तो उन्होंने कहा बरेलवीज, वो भी एनिमी। हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में हिंदू महासभा ने तीन आइडेंटिफाई किए शुरुआत, तो कम्युनिस्ट की तो जो हालत है हम जानते ही, लेकिन किस तरह से गोल पोस्ट चेंज होती रही। 84 सिख, द डेविल इज सिख कम्युनिटी, 92 नेशनल डेविल इज मुस्लिम्स, 2002 द नेशनल डेविल इज मुस्लिम, 2007 कन्नमार, उस एरिया में जाना उस नाम वहां पर असीमानंद को भेजा गया, वहां मुसलमानों की पॉपुलेशन नहीं है, क्रिश्चियंस काम कर रहे हैं आदिवासियों के बीच में, आदिवासियों के बीच में हनुमान के मंदिर बनाए। कैसे मना कर सकते हैं आप मंदिर बनाने से? डेमोक्रेटिक कंट्री से भजन कीर्तन करता रहता है वो आदमी, कैसे रोकेंगे आप? नहीं रोक सकते। पर धीरे 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 वो मंदिरों में जो हनुमान के मंदिर है राम के मंदिर नहीं पहुंचे, क्योंकि वो अपर कास्ट हिंदू के लिए नहीं बनाए जा रहे, वो आदिवासियों के लिए बनाए जा रहे। इसलिए शाम का सब सर्वेंट ही वहां भगवान हो सकता। और इन आदिवासियों को धीरे धीरे रिस्पेक्टेबिलिटी उनके नौजवानों को या तो उनमें अपॉइंट कर दिया गया या छोटे छोटे ग्रुप बना दिए गए कि आप शाखा चलाएंगे और आपको 1000 रुपए दिए जाएंगे, यहां पर टेंशन क्रिएट करके गोल पोस्ट चेंज करना। और आपको याद होगा स्टेन को किस तरह से जिंदा जलाया गया था उस वक्त, जिन लोगों को उस वक्त की खबरें याद। और फिर हम देखते हैं कि 2013-14 में यूपी में मुसलमान एक बार, तो ये एक्सपेरिमेंट लगातार चल रहे हैं, लेकिन मामला यही नहीं रुकता। लास्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द सेंचुरी में हमारे यहां नई चीज पैदा होती है जिसको सेक्युलरिस्ट कहा जाता है। सेक्युलरिस्ट अब देश के अंदर दुश्मन, ये किटी जो है वह एम
انلارج کرنے کی ضرورت پڑ گئی. خالی مسلمانوں سے کام نہیں چاہیے, کیونکہ مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت سارے, مائنورٹیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہت سارے ہیں. وہ انٹلیکچوئل جو ہندو ہیں, وہ انٹلیکچوئل جو سکھ ہیں, جین ہیں, وہ ان کے لیے کھڑے ہونے کو تیار. وہ لکھنے کو لیکھ لکھ رہے ہیں, وہ کویتائیں لکھ رہے ہیں, وہ نعرے لکھ رہے ہیں, وہ سڑکوں پہ اتر رہے ہیں. تو پھر سیکولرسٹ. اور آج اگر ٹرول کہ آپ دیکھیں واٹس ایپ کو کے میسیجز کو, تو وہاں ہندو مسلم پاکستانی کا جو فریکوینسی ہوگی اتنی ہی فریکوینسی آلموسٹ اس ورڈ کی ہوگی جو استعمال ہو رہا ہے سیکولرسٹ. لیکن خالی سیکولرسٹ پہ بات نہیں رکتی ہے. جو بھارت ماتا کی جے نہیں کہے گا وہ بھی دشمن, جو جھنڈے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا وہ بھی دشمن, جو نیشنل اینتھم کے لیے فلم دیکھنے میں کھڑا نہیں ہوگا وہ بھی دشمن. یہ دشمن اس بیچ میں جو مائنورٹیز کا مارجنلائزیشن ہے, اگر آپ 84 کو دیکھیں تو کم سے کم دلی سے آتی پاپولیشن ان لوگوں جو دلی میں بہت زمانے سے بسے ہوئے سکھ تھے وہ مائگریٹ ہو کر کے پنجاب اونے پونے دام میں اپنے گھروں کو بیچ کر کے 84 کے بعد سکھوں کو ایک گھیٹو, ریلیٹیولی بڑا گھیٹو جو پنجاب ہے وہ ایک وہاں آنا پڑا. مسلمانوں کے جس طرح سے گھیٹوز تیار کیے گئے وہ ادبھت تھے. ایک شہر ہے, اس شہر میں ایک حصہ مسلمانوں کے لیے دھیرے 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 تیار ہو رہا. اس حصے کے اندر جو ایمنیٹیز ہیں نارملی جو ایک سٹیزن کے لیے ہونی چاہیے, سینیٹیشن کی, پانی کی, بینک کی فیسلٹی, یہ ساری صفائی نہیں ہوتی وہاں پر. وہاں پر باقی جگہوں سے کتے کلیکٹ کر کے رات کو وہاں چھوڑ دیے جاتے ہیں. یہ گھیٹوز تیار ہو رہے, ان گھیٹوز کا دو میجر پرپس ہے, پر یہ گھیٹوز ہر طرف تیار ہو رہے ہیں جو کہیں زیادہ خطرناک بات ہے. جینیوں کی کالونی میں کسی بھی ایسے آدمی کو جو جین نہیں ہے جگہ نہیں. الگ الگ کاسٹ کی الگ الگ گھیٹوز تیار ہو رہی ہیں ملک کے اندر, جن کے اوپر ہماری کم نظر ہے, مسلمانوں پہ زیادہ ہے. یہ گھیٹوز ایک بڑا کام, اور وہ بڑا کام یہ ہے کہ اگر آپ کی نظر سے دور ہو جائے تو پھر ڈیمونائزیشن بہت آسان ہو جائے گا. اگر ان کی بستیاں گندی ہوں اور آپ سینیٹیشن کی فیسلٹیز نہ پرووائڈ کریں تو یہ کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں. تو پہلے جب آپ ڈیمونائز کر رہے ہیں تو کہیں گے مسلمان گندے ہوتے ہیں. جب یہ سیپ ان ہو جاتا ہے تب آپ کہتے ہیں مسلمان شادیاں زیادہ, بچے زیادہ پیدا. یو مسٹ ہیو ہرڈ, می بی یو ریمبر اٹ, ہم پانچ ہمارے بچے سے. یہ بڑی بڑا زبردست کیلکولیشن ہے. اس لیے کہ میں اگر یہ مانا کہ مسلمان ہندوستان کے اندر 10 لاکھ ہیں تو آن این ایوریج لگائیں تو 5 لاکھ عورتیں ہوں گی, 5 لاکھ مرد ہوں گے. اگر سارے مرد 5 کروڑ مرد ہوں گے, اگر 5 کروڑ مرد 4 شادیاں کر رہے ہیں تو باقی کی 3 کہاں سے آ رہی ہیں؟ پر یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں, یہ جو فیشسٹ ہیں یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں چار بیویاں مل رہی ہیں ہمیں, ہندو نیشن ہونے کے باوجود ہمیں. سوچیے آپ, ہونا تو اس کا الٹا چاہیے. یہ جو ڈیمونائزیشن ہے یہ گریجول پروسیس ہے جو ہمیں دکھائی دیا. یہ اتنا فاسٹ نہیں ہے جتنا جرمنی میں دکھائی دیا.
ये बिल्कुल वैसे ही है, जावेद अख्तर बहुत खूबसूरत एक वो देते हैं इसकी एग्जांपल कि अगर बीकर में पानी रख के उसमें मेंढक को डाल दीजिए और बहुत धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाइए तो मेंढक को पता ही नहीं लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्लेमेटाइज होता जाएगा। जब उसे पता लगेगा तब उसके अंदर सकत भी नहीं रहेगी बाहर निकलने। तो हमारे समाज को इसी तरह ले जाया जा रहा है। जब आप ये सीपन कर जाता है कि ये डेविल हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा बच्चों को, तो इनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ करके हिंदुओं की पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा हो जाएगी। मेरे जैसे आदमी से कोई कहे क्या फर्क पड़ता है यार सारे मुसलमान हो जाओ, मेरे तो धर्म में यकीन नहीं है किसी भी, सारे सिख हो जाओ नहीं, सारे हिंदू हो जाओ। सवाल यह है कि जिस जो मुल्क बनाओगे उस मुल्क में सबको हर नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर बच्चे को एजुकेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हर आदमी के सर पे छत होगी कि नहीं होगी, हर सिटीजन का हक उसको पूरा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। मेरे जैसे आदमी के लिए ये कोई सवाल नहीं है कि सब मुसलमान है कि सब हिंदू है कि ये ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो कम हो जाएंगे, बकवास है। But that is how the other is created, the devil is constructed. And once this is accepted, then you say Pakistan. Pakistan dushman hai, isliye andar jo musalman hai, wo musalman bhi dushman hai. Direct correspondence without getting into the details कि जो छोड़ के नहीं गए वो शायद ज्यादा हिंदुस्तानी है क्योंकि उनके पास ऑप्शन था जाने का। जो एग्जाम लगा रहे हैं सावरकर के सारे चेले, उनके पास ऑप्शन नहीं था उधर जाने का। जिनको वो डेवल बना रहे हैं उनके पास ऑप्शन था और वो नहीं गए, तो शायद वो ज्यादा नेशनलिस्ट हैं, एक इंच उनका कद ऊपर है मुकाबले। उसके बावजूद यह सीपन करता है और फिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान हो जाती है, यह कहना कि सारे के सारे मुसलमान टेररिस्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल तक सारे के सारे सिखों को आप टेररिस्ट कह रहे थे। हर सिख चलता हुआ दिल्ली की सड़क के ऊपर चेक किया जाता था। आज हर मुसलमान लड़का जिसके सर के ऊपर टोपी है और वो लंबा कुर्ता पहने हुए है उसको शक की नजरों से देखा जाता है। उसके घर में ये नहीं मालूम है कि वो शाम को वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बम फटे, एक मुसलमान को यह डर लगता है कि शायद घंटे डेढ़ घंटे बाद एक भीड़ आएगी और मेरा घर चला जाएगा। दिस इज अल्टीमेटली लीडिंग टू सेकंड क्लास सिटीजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड क्लास सिटीजनशिप। बिकॉज जब आप डेमोनाइज कर देते हैं, डिह्यूमनाइज कर देते हैं, तो जैसा कि अफ्रीका में व्हाइट्स ने किया था, Africans had started calling the whites had started calling Africans as Bushmen. सोचिए कि झाड़ियों वाला इंसान कहे कि मारना उसको कितना आसान हो जाता है क्योंकि वो इंसान नहीं, वो इंसान नुमा जानवर है और अगर आपने उसको जानवर डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसका कत्ल हो मारने पीटे जो भी करें स्टार्व करें कुछ नहीं कर सकते आप उसके साथ। बात यह है कि जब सिखों के ऊपर हमला हो रहा था तो मुसलमान सोच रहे थे हम बचे हुए, चलो हमारे ऊपर से नजर तो हटी, मेरठ हुआ, मलियाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, आज सिख बिठ रहे हैं ना हमारे ऊपर से। जब
जब क्रिश्चियंस पिट रहे थे तो सिख और मुसलमान नहीं थे, और अब जब मुसलमान पिट रहे हैं तो सिख और क्रिश्चियन यही सोच रहे हैं। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग कि इन सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ जहर कर देना चाहिए, नो, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन सबको खड़ा होना पड़ेगा माइनॉरिटीज को सेक्युलर फोर्सेस के साथ, और वही बचा सकती हैं, और कोई तरीका नहीं है कि बचें। और किसी एक के ऊपर भी हमला हो तो सेक्युलर फोर्सेस जो लड़ाई लड़ती हैं, जब सिखों के लिए लड़ रही थी, तो उसमें मुसलमानों को क्रिश्चियंस को भी शामिल होना, क्योंकि ये सेक्युलर फोर्स, इसको मैं हिंदू कहने को तैयार नहीं, इसको मैं सिख कहने को तैयार नहीं हूं, इसको मैं मुसलमान कहने को तैयार नहीं। ये सेक्युलर फोर्स है जिसने इस देश की रूह को, स्पिरिट को बचा के रखा। ये उस ख्वाब की पहरेदार है जो ख्वाब इंसानियत हिंदुस्तान में देख रही। इसके साथ अगर हम नहीं जुड़े तो सेकंड क्लास सिटीजनशिप आपको मिल चुकी है, इसलिए कि अगर आप अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं तो यह सवाल नहीं उठता कि एक सेक्युलर स्टेट के अंदर किस तरह से कुंभ मेले के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जाए, पर हज सब्सिडी पे है प्रॉब्लम। मुझे दोनों पे है प्रॉब्लम। एक तरफ बुर्के का सवाल उठता है तो दूसरी तरफ घूंघट का सवाल नहीं उठाया जाता। मुझे दोनों के साथ प्रॉब्लम, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर अल्टीमेटली सेकंड क्लास सिटीजनशिप का यह मतलब है कि मुसलमान थर्ड रेट जगहों के ऊपर रहें, सिख अपने घेटोज में रहें, क्रिश्चियंस अपने घेटोज में रहें, अगर उनके अच्छे स्कूल होते हों तो होते हों, हमसे कोई मतलब नहीं है। पूरे स्कूलों में पढ़े उनके बच्चे, उनको नौकरी अगर मिलेगी तो उसको जुर्म माना जाएगा। अगर स्टेट उनको कोई रियायत देगी बिकॉज दे आर डाउनट्रॉडन, दे आर ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ द लैडर, तो वो जुर्म माना जाएगा, उनसे करप्शन माना जाएगा। अगर मुसलमान को नौकरी दे रहे हो, अगर सिख को नौकरी दे रहे हो, अगर क्रिश्चियन को नौकरी दे रहे हो, तो ये तुम इस मुल्क में जुर्म कर रहे हो। ये है सेकंड क्लास सिटीजनशिप जिसकी तरफ धकेला जा रहा है। ये हमको 2002 से पहले स्टार्क फॉर्म में गुजरात में दिखाई दी, जहां पर बोर्ड लगा हुआ बॉर्डर, उससे आगे का हिस्सा पाकिस्तान माना जाता है, जहां मुसलमान ये नॉर्मल ऑटो रिक्शा में बैठते हुए बड़े आराम से कहा जा सकता था कि बॉर्डर के पार ले चलो, जिसका मतलब ये होता था कि मुसलमानों के इलाके में ले चलो। 2002 में जिस ऑफिस में मैं उसके साथ काम कर रहा था और फिल्म बना रहा था, वहां पर उसके दूसरी तरफ मुसलमानों का इलाका और उसके बाद के इलाके में हमारा जो कंप्यूटर ठीक करने वाला था वो रहता था। मैं कहा शाम के बाद मैं नहीं आ सकता मुसलमानों के इलाके में, दिस इज क्रिएटिंग द अदर, डेमोनाइजिंग इट, एंड देन यू हैव ऑल द राइट टू बर्न एंड किल, और आप ये कर सकते हैं फिर कि किसी औरत को जलाएं, उसके पेट से बच्चा निकालें, त्रिशूल के ऊपर रखें और फिर वहां लिखें जय श्री राम, धन्यवाद।